नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको न्यूस्प्रिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी देंगे। जानेंगे इसके क्या क्या यूज हैं, इसके कंपोजिशन, मार्केट प्राइस और इसके साइड इफेक्ट, सावधानियां, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसके मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस 45 रुपये है और ये 5 ग्राम की ट्यूब है। फ्रेंड्स, आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही मशहूर दवा है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसके कंपनी के बारे में। तो इसको GSK यानी कि ग्लासगो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्किन पे कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि फोड़ा फुंसी, त्वचा में रेडनेस या दाने निकलना, उसमें खुजली होना, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जले हुए स्थान पे भी इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसको आँख में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पलकों पर जो फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर ऑइंटमेंट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें नियोमाइसिन, पोलीमाइक्जिन, बी सल्फेट और बेसिट्रेक्सिन जिंक होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर कंपोजिशन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत ही जल्द ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके बाद इसको लगाएं। और फ्रेंड्स, कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको इस ट्यूब को एक बार खोलने के बाद अधिकतम 1 महीने तक ही यूज करें, उसके बाद ही न यूज करें। और इस क्रीम को जब चेहरे पर लगाएं तो इसको ध्यान रखें कि मुंह और नाक में न जाने पाए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि त्वचा में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं या त्वचा लाल हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो इसको बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी न्यूस्प्रिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।